हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपको स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। तो दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 6 बजे आती है, द हिंदू एडिटोरियल की 11/11/2019 की ये क्लास है। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी और बैंकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें दिए गए हैं कुछ आर्टिकल्स, इसमें से हमें छांट कर कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से करने हैं, वेस्ट का हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आई है यूएसए और तालिबान के बीच में जो संबंध चल रहे हैं उसको लेकर ये आर्टिकल है, उसकी आज की स्थिति क्या कहती है। उसके बाद ये अमेजोन फायर पर हमने आर्टिकल कर चुका था, अब हम नहीं करेंगे, कुछ रेलिवेंट पॉइंट भी नहीं है, दोहराए जा रहे हैं। उसके बाद ये बात रशिया और इंडिया के रिलेशंस की है, एक रशिया, यहाँ पे इंडिया और चाइना ट्रायंगल, इसका जो ट्रायंगल बनना है उसके हिसाब से, और इंडिया के चाइना के रिलेशन के हिसाब से ये सारा आर्टिकल होगा। और उसके बाद दोस्तों ये आर्टिकल होगा जुडिशरी पर, जुडिशरी में अभी जो उथल पुथल मची है उसको लेकर समझेंगे। और उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे आर्टिकल है, ये है जो आईएएस चुने जाते हैं। देखिए, जो हम आर्टिकल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, पूरे जोश के साथ कि मुझे कुछ करना है देश के लिए, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को। कुछ लोगों का होता है कि मैं देश के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और अपने माँ बाप के लिए भी बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये एक आसान पैटर्न है जिसमें बंदा 1-2 साल मेहनत करके सिलेक्ट होकर बाद में घर वालों को भी सुविधा दे सकता है और देश के लिए भी काम कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए आईएएस की प्रेपरेशन है, जिसकी तो हम एक पार्ट में ये वीडियो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर जो मसूरी में जो बच्चा आईएएस सिलेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप में से अगर बहुत से लोग आईएएस, कोई आईपीएस, कोई सी रैंक में हो जाते हैं सिलेक्ट, तो सिलेक्ट होने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो यहाँ पे जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करेगा। तो ये उससे संबंधित है क्या है। और देखिए, ये डब्ल्यूटीओ में इंडिया को एक छोटी सी जीत मिली है, अमेरिका के खिलाफ जो डब्ल्यूटीओ में केस चल रहा था, ये उस पर संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले तो हम ये देख लें, इसको आर्टिकल में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे वो क्या है। देखिए, ट्रंप, जैसे कि सुना होगा आपने, ट्रंप ट्वीट बहुत करते हैं, हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। तो इन्होंने इस बार ट्वीट करके कहा है कि जो तालिबान के साथ इनकी जो पीस टॉक्स चल रही थी, पीस टॉक्स चलने के बाद इन्होंने सोचा था, हेलो, हाँ जी, मैं क्लास चम्मा, हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, जो इनकी पीस टॉक्स चल रही थी, पीस टॉक के अंतर्गत अमेरिका ये चाहता था कि जो उसकी फोर्सेस अफगानिस्तान में है और जो तालिबान के साथ, जो दूसरे आतंकवादी ग्रुपों के साथ लड़ रही थी, तो उनके बीच में शांति स्थापित हो जाए। और पहला तो ये चाहता था, और दूसरा ये कंडीशन थी अमेरिका की कि उस धरती से, अफगानिस्तान की धरती से, चाहे वो तालिबान हो चाहे दूसरे टेररिस्ट ग्रुप है, वो कोई भी अटैक दूसरे लैंड पर, जैसे अमेरिका पर, कोई भी आतंकवादी हमले के लिए किसी को भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अंतर्गत क्या चल रहा था, देखिए, ये कह रहे हैं, इन्होंने क्लेम किया है कि जैसे कि अमेरिका के जो एनवॉय हैं वो, और तालिबान के बहुत से लोग कतर में पीस टॉक्स को चल रहे थे, लेकिन कतर में पीस टॉक करने के बावजूद भी जो तालिबान के अटैक जारी थे, किसी न किसी ग्रुप के ऊपर जारी थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि अब इनमें कोई सेटिंग नहीं बैठ रही थी। तो उन्होंने, ट्रंप ने कह दिया कि हम इसके साथ जो पीस टॉक है उसको अभी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, अब देखिए, वो कह रहे हैं कि 173 अटैक तो हो चुके हैं, जिसमें से हजारों लोग, 1350 के करीब लोग तो उसमें मारे जा चुके हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पीस टॉक है वो सही नहीं, अब जा रहे हैं तो हम इसको सीजन कर रहे हैं। अब देखिए, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, देखिए, अगर वहां से अमेरिकी ट्रूप्स हट जाते हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं से इस चीज को लेकर फेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तालिबान ग्रुप है वो पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा होता है, तो इंडिया का उसका नुकसान है। अगर वहां से अमेरिकन फोर्सेस नहीं जाती तो वहां पे इंडिया को कहीं ना कहीं फेवर होगा। तो देख, दूसरी वो बात कह रहे हैं कि देखिए, जो ये पीस टॉक है, राइटर कह रहा है कि ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगी, जितने भी वहां पे दूसरे ग्रुप्स हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, वहां की गवर्नमेंट है और तालिबान है, ये मिलकर अगर पीस टॉक्स नहीं करेंगे तो कोई कहीं कहीं पर भी इनका ये समझौते पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो तालिबान, उसने तो क्लियर कर दिया हम गवर्नमेंट के साथ कोई समझौता करेंगे नहीं। तो बस यही सारी बात है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल्स पर। सबसे पहला आर्टिकल तो आता है कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांसफर। देखिए क्या हुआ, जो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों,
जस्टिस विजया कमलेश, तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया है मेघालय हाई कोर्ट में। अब ये क्यों खतरनाक, क्यों गलत माना गया, उसका कारण क्या है? देखिए वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड फॉर सच ट्रांसफर फ्रॉम वन, देखिए वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर की प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो कहते हैं कि ये जो जिनका ट्रांसफर किया गया है, इनका ट्रांसफर एक मद्रास हाई कोर्ट से किया गया जिसमें इनके अंतर्गत, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ रहे हैं, जितने भी हाई कोर्ट है हमारे देश में, उतने जिनके भी चीफ जस्टिस हैं उन सब में सीनियर मोस्ट है, और इनके नीचे कम से कम 75 जज काम करते थे। तो वो कह रहे कि उनका ट्रांसफर करके मेघालय में किया जा रहा है, वहां पे जिनके नीचे सिर्फ 3-4 जज ही होंगे, तो ये कहते हैं इनके साथ बहुत ज्यादा गलत बात हुई है। इनका ट्रांसफर को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहे हैं कि इट इज एक्सट्रीमली रेयर दैट सीनियर, वो एक बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि सीनियर मोस्ट जज को ऐसे उठा के ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं है कि सुपर जुडिशरी, देखिए सबसे बड़ी बात वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज इन द कंट्री चूज टू रिजाइन, उन्होंने रिजाइन करने का चूज किया है रादर देन कंटिन्यू करने का, इस सर्कमस्टांसिस में जहां पे उनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटेशन हो रही है, उनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट हो रहे हैं कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो रिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं। तो इससे कोलीगियम सिस्टम है उसके ऊपर फिर एक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलीगियम, वो कहते हैं जो कोलीगियम है उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कंसेप्ट को जो आपने ट्रांसफर किया है जो इसको दोबारा रिकंसिडर किया जाए, तो उन्होंने रीजन दिए बिना उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं देखिए हम इसके ऊपर दोबारा वार्ता करेंगे नहीं। देखिए कोलीगियम क्या है, देखिए कोलीगियम सिस्टम में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनको अथॉरिटी है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो उनके नीचे जज हैं उनका ट्रांसफर और उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, और रिकमेंड के हिसाब से ही गवर्नमेंट को लोगों को जजिस को अपॉइंट करना होता है। तो और इनके साथ जो 3-4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनकी कंसिडरेशन भी मानी जाती है। ठीक है, तो यही सारा कोलिगियम सिस्टम है। कोलिगियम सिस्टम में 4-5 जज मिलकर तय करते हैं कि कौन सा जज की नियुक्ति कहाँ की जाएगी, किसकी ट्रांसफर कहां की जाएगी, किसका डिमोशन किया जाएगा, किसका प्रमोशन किया जाएगा, ये सारी बातें हैं कोलिजियम के अंदर। देखिए आप कह रहे हैं कि कोलिजियम के अंदर दोबारा सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके ऊपर सारी बात करते हैं, पहले जो बात है वो कर ले। तो वो कहते हैं कि आर्ग्यू दैट वन हाई कोर्ट इज, वो कहते हैं कि जो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक हाई कोर्ट इज एज गुड एज एन अदर हाई कोर्ट, कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांसफर तो करना चाहिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक्सक्यूज को उनका बड़ा जबरदस्त एक्सक्यूज है। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि इट इज एन फालीसियस आर्ग्यूमेंट वेन वन कंसिडर दैट देर आर नो अदर कंप्लेन्ट्स, देखिए वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक भी, ना तो जो वो जॉब कर रहे हैं ना तो उनके खिलाफ कोई पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी है, उनके जॉब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, और उनके पर्सनल कंडक्ट भी बहुत सही है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ना तो बहुत बहुत गलत आर्ग्यूमेंट है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल दैट द ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द इंटरनल परफॉर्मेंस असेसमेंट, तो वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये बात करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो उसकी एब्सेंस में द बार कैनॉट बी ब्लेम्ड इफ दे सी द ट्रांसफर एज पुनिटिव। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बात की जाती है जो बहुत खतरनाक बात है, वो कह रहे हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, देखिए क्या है कि जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, एक बच्चा एग्जाम देगा अपनी क्षमता बताएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से सरकार चाहती थी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई है जिसके अंतर्गत लोग एग्जाम दें और अपनी मेहनत के आधार पर निकल के आए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है, जो जज बैठे हैं वही तय कर रहे हैं कि कौन सा जज ऊपर जाएगा कौन सा नहीं, उसको कोलिजियम सिस्टम कह दिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं और कुछ सीनियर मोस्ट जज बैठे हैं, जो अपॉइंटमेंट भी वही कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं अपॉइंटमेंट करो, ट्रांसफर भी वही कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि करप्शन के बहुत ज्यादा तदार है, तो इसलिए इसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, और जो इस बार अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किए गए हैं इसके ऊपर भी कोलिजियम सिस्टम के ऊपर दोबारा वो कंट्रोवर्सी के घेरे में आ गई है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोलिजियम, जो गवर्नमेंट है और जो कोलिजियम है उसके बीच में हमेशा रहा है कि जो रिकमेंडेशन करता है कोलिजियम कि आप इसकी अपॉइंटमेंट कीजिए, उनके बीच में अक्सर डीएक्सी एग्रीमेंट रहती है कि इनका करना चाहिए कि इनका करना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि
जुडिशियल ट्रांसफर्स आर इनिशियली सोलली एट द इंस्टेंस ऑफ, देखें वो इन्होंने कहा है कि जो पहले जो जुडिशियल ट्रांसफर्स होते थे वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर होते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जो एक तो केसेस चले वो केसेस के आधार पर उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है अब जो केस अब चलेंगे उसके साथ साथ कुछ प्लूरल ऑफ जजेस, प्लूरलिटी ऑफ जजेस होगी, एक जज नहीं कुछ जज मिलकर तय करेंगे कि ये ट्रांसफर सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, तो ये आर्बिट्रेरी ट्रांसफर नहीं होगा माना जाएगा। तो ये थर्ड जज सेकेंड और थर्ड जज केस में ये बात निकल के आखिर में आई। तो फिर वो बात करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम की ओपेकनेस एंड द स्कोप फॉर पर्सनल ओपिनियन कलर डिसीजन मेकिंग रिमेंड अंडर एड्रेस। देखिए कुल मिलाकर तो उन्होंने यही कह दिया है कि देखिए कुछ अभी यहाँ उन्होंने ये पॉइंट नहीं डाला, उन्होंने साफ बता दिया कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनते थे लेकिन बाद में कुछ केसेस आए, केसेस के आने की वजह से उन्होंने बाद में कह दिया कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में कुछ जज मिलकर तय करेंगे, इसको हम कोलिजियम सिस्टम कह देंगे, ये तय करेगा कि अपॉइंटमेंट करनी है कि ट्रांसफर करनी है। अब जो इस बार ट्रांसफर हुआ है उसके ऊपर ना तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तो सीनियर मोस्ट जज की बिना बात के किसी दूसरे हाई कोर्ट में जहां जज भी कम है और कोई इतनी एबिलिटी भी नहीं है वहां पे ट्रांसफर कर दिया है, और दूसरा जब उन्होंने अपील डाली कि हमारा दोबारा रिकंसीडर किया जाए कि इसकी जो ट्रांसफर है रोक दी जाए, तो जज ने उसको भी मना कर दिया और उसका रीजन भी नहीं दिया, तो उसकी कारण से ये सवालों के घेरे में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही सारा आर्टिकल है, तो हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, वो क्या है, गिव एज ओल्ड टाइज ए न्यू शाइन। देखिए ये इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर है और चाइना को किस तरह से काउंटर किया जा रहा है, ये सारा आर्टिकल उस चीज के ऊपर है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो रशिया इंडिया और चाइना का ट्राइंगल है ऑन ए शेयर्ड विजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया के फ्यूचर के ऊपर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रही है टू गेट आउट ऑफ द हैंड, अब वो कहीं ना कहीं हाथ से निकलती जा रही है, चाइना में इनवोगरेट इट्स आउटरीच थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट टू टॉस अमेरिकाज प्रेसिडेंट, जो चाइना है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत अपनी जो रीच है बहुत दूर दूर दराज के देशों में तक बनाई है, इस बार तो इटली ने भी इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना हाथ डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है कि जो अमेरिका की पूरी दुनिया पर प्रभाव था वो कहीं ना कहीं टॉस में आ रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि जो स्ट्रेटजिक ट्रायंगल है मे सून फ्री, जो ये स्ट्रेटजिक ट्रायंगल है रशिया इंडिया और चाइना का, ये जल्द ही प्रेशर फील कर सकता है जिसके कारण एग्जिस्टिंग पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, अब बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस पावर है कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका को माना जाता है, उसके बाद चाइना रशिया इंडिया इंग्लैंड फ्रांस ऐसे ताकतवर देश हैं, जापान, लेकिन कह रहे हैं कि जो ये बैलेंस ऑफ पावर है ना बदल सकता है, चैलेंज हो रहा है कहीं ना कहीं इसको। फिर वो उसके वो बात आते हैं इंडिया और रशिया के ऊपर, वो कहते हैं कि जो इनका अभी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं इसके इन दोनों को ही फायदा है, वो कह रहे हैं कैसे, एक तो एनहांस एक्सचेंज एंड जियो पोलिटिकल कोऑर्डिनेशन, नाइदर कंट्री इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग होस्टेज ऑफ चाइना। देखिए सबसे पहली बात तो वो कह रहे हैं कि इनके जो जियो पोलिटिकल और दूसरे इंटरेस्ट हैं एक दूसरे को देने फायदे, जैसे इंडिया को कुछ उससे फायदा उसको कुछ इंडिया से फायदा, तो दोस्ताना संबंध चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद करके काम कर रहे हैं, और दूसरी बात तो वो चाहते हैं कि इन दोनों देश में से कोई भी देश चाइना के हाथ में एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता। ठीक है, ये भी बड़ी बात है इन दोनों के पास आने की। फिर उसके बाद कहते हैं कि न्यू दिल्ली स्पेशली कंसर्न अबाउट मॉस्को's ग्रोइंग मोर डिपेंडेंट ऑन बीजिंग, जैसे कि मैंने आपको कल परसों एक आर्टिकल कराया था जिसमें मैंने बताया कि जो ईस्ट पोर्शन है जिसमें व्लादिवोस्टोक में इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट घोषित कर चुका है, वो कहते हैं वहां पर या कुछ इलाकों में बीजिंग की डिपेंडेंस जो चाइना का प्रभाव है रशिया के ऊपर ज्यादा आ रहा है, लोग भी ट्रांसफर ज्यादा आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहा है और भी ज्यादा कोऑपरेशन हो रही हैं, तो वहां पर कहते हैं कि न्यू दिल्ली का इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं खतरा आ रहा है, तो कहते हैं न्यू दिल्ली को भी थोड़ा अपना इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सच बिलीव्स, ऐसे कुछ बिलीव की वजह से जो कैटलाइजर का काम किया है जिन्होंने, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस और फ्रूटफुल निकल कर आए हैं टू नेशंस के बीच में, नंबर ऑफ एरियाज में उसमें बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 2017 में द बायलैटरल इकोनॉमिक ट्राउन आउट, जो हमारा बायलैटरल इकोनॉमिक व्यापार था या कुछ भी कह लो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, वो पहली बात तो 22% बढ़े हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब इन्होंने जो इनके ट्रेड रिलेशंस है वो 2025 तक $30 बिलियन करने का प्रोग्राम बना रखा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि रशिया विल नॉन ट्रेड मॉडल दैट इज ऑफन मार्क्ड बाय द एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, जो रशिया का मॉडल क्या है, एक तो वो
एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट करता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, लेकिन इंडिया का कहते हैं ठीक उल्टा जा रहा है, इंडिया अब अपनी सिचुएशन धीरे धीरे बदल रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया रशिया ने अपनी ऑयल की बहुत जबरदस्त $12.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो उस समय की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी में की गई एसर ऑयल में, और उस साल की इंडिया में फॉरन इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ये, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो रशिया स्टडी कर रहा है फेसिबिलिटी ऑफ नागपुर और उसके बीच में सुंदर स्कंदराबाद हाई रेल प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, इसके ऊपर वो ध्यान दे रहा है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, ये काम इंडिया और रशिया एक साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें रशिया इसके ऊपर काम कर रहा है। फिर कहते हैं कि जो पेट्रोकेमिकल को लेकर रशिया की कंपनी इंडिया की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि इंडिया पेट्रोकेमिकल्स को लेकर बहुत बड़ी मार्केट उभर रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है बुटिलीन रबड़, ठीक है, और हैलोजिनेटेड बुटिलीन रबड़, इसकी इंडिया एक बहुत बड़ी रैपिड मार्केट बन रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स को पूछ दो, अब इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चर होगी उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसमें बहुत फायदा हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो सिबुर रिलायंस एक ज्वाइंट वेंचर में आके उन्होंने एक कंपनी बनाई है गुजरात में, उसके अंदर भी इसका जो प्लांट लग चुका है। फिर उसके बाद बात की जाती है कि इसको अभी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों देशों को इससे बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। फिर कह रहे हैं न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कंट्रीब्यूट टू दोज वेयर इंडिया रशिया हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ए रिलेटिव स्टेबल पैटर्न। वो कहते हैं कि जो नए एरियाज में कोऑपरेशन करेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन बेनिफिट एरियाज को भी बेनिफिट किया है जिसके ऊपर ऑलरेडी इंडिया और रशिया आपस में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है, वो कहते हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, बहुत हथियार इंडिया देता है, हालांकि यूएस ने सैंक्शंस लगाने की बात की है अगर इंडिया रशिया से कुछ खरीदता है, तो इसका भी उन्होंने हल निकाल लिया है कि रशिया अब इंडियन करेंसी लेने के लिए तैयार है और ये रशियन करेंसी लेगा, इसमें भी वो कहते हैं कि इन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। फिर वो बात करते हैं कि जो $5 बिलियन की S-400 लेने की बात हुई है, S-400 क्या है, ये न्यूक्लियर मिसाइल और फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट ऐसे हमलों को बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए काम आता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत महंगा है, $300 मिलियन का तो इसका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब कहते हैं कि टोटल $10 बिलियन के अंदर $5 बिलियन का तो यही है, बाकी $5 बिलियन के अंदर कैमोव हेलीकॉप्टर है 200, उसको यहाँ पे ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, प्रोडक्ट किया जाएगा, तो वहां पे जो फ्रीगेट्स हैं बनाए जाएंगे ज्वाइंट वेंचर में अमेठी में, उनके 7,75,000 कलेश्निकोफ के 200 जो AK-47 का जो अपडेटेड वर्जन है, AK-2000 राइफल्स बनाई जा रही हैं, और उसके बाद भी सुखोई MKI और 21 MiG फाइटर जेट्स के ऊपर अभी बातें चल रही हैं, तो उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो 75 प्रोजेक्ट 75 जो इंडियन नेवी का है उसके ऊपर भी अभी बातें चल रही हैं, और अभी इंडिया ने 114 फाइटर जेट भी खरीदने हैं, अब ये भी बातें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इनके स्ट्रॉन्ग पर्सनल टाइज है ना, उनको कहीं ना कहीं से कैटलाइजर मिला है, इन चीजों से बढ़ावा मिला है। फिर वो चाइना फैक्टर की बात करते हैं, इसमें चाइना फैक्टर का क्या रोल है। फिर चाइना फैक्टर में बात करते हैं कि डिमांड टू बूस्ट रिलेशन आल्सो प्रवेल द कॉरिडोर, ठीक है। देखिए चाइना GDP है जो इंडिया के GDP से 4 times बड़ी है, ठीक है, और डिफेंस है उसका वो 3 times बड़ा है। तो उसके बाद वो बात करते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे डोकलाम में हुआ, ठीक है, और पीसफुल एक्सचेंज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग परसीव्ड एज ए फ्रेगाइल, मॉस्को कहते हैं इसमें एक बैलेंसिंग रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि 1971 में जब इंडिया और रशिया के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें वो चाइना और यूएस की अप्रोच को बैलेंस करने के लिए रशिया की तरफ गया था, सोवियत यूनियन की तरफ गया था, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, टिल डेट आज तक कहते हैं हमें उसका फायदा हो रहा है। फिर कहते हैं मॉस्को भी इस बात को जानता है कि न्यू दिल्ली बहुत ही लंबे तो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रहा है, जिसमें वो आर्थिक और राजनीतिक जो अपने बेनिफिट्स हैं और जो फायदे हैं जो डिसीजन मेकिंग है वो उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहता है, इसलिए उसको बहुत डिवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अलग अलग देशों तक जा रहा है, वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, हर देश तक, ताकि कोई भी देश उसको किसी तरह का प्रभाव न डाल सके किसी भी मोड़ पर। तो उसके बाद वो आकते हैं कि डिस्पाइट द
जो यूएस सैंक्शन लगा रहा है उसको बाईपास करने के लिए नेशनल करेंसीज का यूज करने की बात कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है। फिर भी वो बात करते हैं कि इंडिया को अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि व्हाइट हाउस उन्हें क्या दे देगा, वेवर दे देगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं आप खरीद लो। फिर वो बात करते हैं परमानेंट सीट की, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में भी वो परमानेंट सीट चाहता है, और वो कहते हैं कि जो यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन में जो दरार आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, उसको भी उसमें भी इंडिया को फायदा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि रशिया नॉलेज इट्स अगुमेंटिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखिए वो जब देखिए अगर रशिया चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा तो इंडिया को बहुत नुकसान है, मैंने कल के पासवर्ड के आर्टिकल में इसको डिटेल में समझाया ही है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूरेशियन विद द यूरेशियन बैलेंस ऑफ पावर एट स्टेक, कहीं ना कहीं दांव पर लगी है, अब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब शेयर्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो इंडिया का हमेशा रहा है कि शेयर्ड स्ट्रेटजी, सब मिलके काम करें, ठीक है दोस्तों। अब इससे अगला आर्टिकल आता है, वो क्या है, ए माइनर वन फॉर इंडिया एट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में एक झगड़ा चल रहा था इंडिया का अमेरिका के साथ किसी मुद्दे पर, उसमें इंडिया को एक छोटी सी जीत मिली है, वो क्या है जरा देख ले। देखिए ये आर्टिकल को ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे से शब्दों में शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा ही एक केस किया था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का, अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या है। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, इंडिया हार गया था, लेकिन अब बात आई है इंडिया ने सेम केस किया है ऐसी चीज को ढूंढ कर अमेरिका के ऊपर डब्ल्यूटीओ में। अब इसमें डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के फेवर में जजमेंट दिया है, हो क्या रहा था, देखिए यूएस क्या कर रहा था, जैसे कि वो कोई अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चीजें बना रहा था, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल बनते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल बनते हैं, ठीक है, इन सबको बनाने के लिए वो क्या कर रहा था, अपने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स है जो उसकी जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना रहे थे, उनको फायदा दे रहा था, ठीक है, और लोगों को अपनी कंपनीज को कह रहा था उनसे खरीदो। तो इंडिया ने कहा कि यार ये चीज तो हमारे ही बन रही है, और ये इसको क्या कर रहा है, यूएसए इसको टैक्स बेनिफिट्स दे रहा है, यूएसए इसको अपने रिबेट्स टैक्स रिबेट दे रहा है, रिफंड दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, तो कहता है इससे तो हमें नुकसान होगा, इसने केस ले गए। तो केस ले गए, अब केस के अंतर्गत क्या हुआ कि अब जो इंडिया है वो भी सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, अब वो कहता है कि इससे तो हमें नुकसान होगा, इनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा हमारा महंगा हो जाएगा। तो अब डब्ल्यूटीओ का जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है वो कहता है कि जिसमें भी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर, जिसमें भी लाइक प्रोडक्ट्स हैं, अब लाइक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक सोलर पैनल इंडिया बना रहा है, सेम ही सोलर पैनल अमेरिका बना रहा है, अगर अमेरिका अपनी कंपनीज को फायदा देगा तो वो सस्ता पड़ेगा ना उनके वहां के खरीदने वालों को, तो इंडिया का महंगा हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे लाइक प्रोडक्ट्स जो दूसरे हर देशों के सामान्य है, आपस में मिल रहे हैं, उसमें कोई एक देश दूसरे अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा नहीं दे सकता, सबको बराबरी के असूल चलना होगा, ठीक है। तो इसमें फोटोवोल्टेइक सेल की बातें चल रही थी, तो इसमें इंडिया के फेवर की बात की गई। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है वो किस स्तर पर तय करता है कि ये लाइक प्रोडक्ट्स है, सेम प्रोडक्ट्स है, एक तो कहते हैं कि प्रोडक्ट का एंड यूज, उसका कंपोजिशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसका कंज्यूमर प्रेफरेंस और उसकी टैरिफ क्लासिफिकेशन, इन 5 आधारों पर वो तय करता है कि ये लाइक प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही कि जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो उसको किस तरह से वो बेनिफिट करता है, जिसकी वजह से उनको फायदा होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दूसरे देशों से सेल होगा, परचेज होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो वो कहीं ना कहीं कहते चीप पैची चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, वो कहते हैं मेयर इंसेंटिवाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट टू यूएस, अब वो कहते हैं कि इंडिया है रूलिंग इज द ऑल्सो मतलब द रूलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग दैट यूएस इम्पोर्टेड, जो यूएस है इंडिया से कम 44% सोलर मॉड्यूल को वो करता है इम्पोर्ट करता है, ठीक है, ये सारी बात है। तब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आईएएस एकेडमी की, ठीक है, मसूरी की एकेडमी की, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए आईएएस एकेडमी में क्या बात है, वो कहते हैं कि आईएएस एकेडमी है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस एकेडमी को पहले एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहा जाता था, जिसके स्थापना 1959 में मसूरी में हुई, ठीक है। वो कहते हैं इसमें बड़े बड़े सिविल सर्विसेज को सर्वेंट्स को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो देश में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकें। अब देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसे लोग आते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं दूसरी सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, अब कह रहे हैं कि ये वो मंच है जहां पे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सिलेक्ट होकर आते हैं और देश के भले के लिए काम करते हैं, अगर अगर इन्हीं इन्हीं जगहों पर ही प्रॉब्लम्स होगी तो कैसे बात चलेगी। और वो कहते हैं कि इन्होंने देश में एक बहुत बड़ा चेंज लाने का काम किया है, ठीक है, वो किस तरह से जरा देख लें।
अब देखिए वो कहते हैं कि मसूरी के सामने एक मजेस्टिक हिमालयन पीक्स है, ठीक है। वो कहते हैं वो रिक्रूटमेंट्स को कहीं ना कहीं याद दिलाती है स्ट्रेंथ की, रेक्टिट्यूड की और एक्सीलेंस की। इन सब चीजें उनके बहुत जरूरी होती है उनके लिए, ठीक है, अपने करियर में सिविल सर्विसेज के। फिर उसके बाद कहते हैं 1960 में फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सभी सिविल सर्वेंट्स एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं, ठीक है, जिसमें उनमें दोस्ताना संबंध आते हैं, मित्रता बनती है, और ये लोग देश के स्तर पर भी जब निकल के ऑफिसर्स बनते हैं तो एक तरह की एक सिमिलर सी भाव चलते हैं, जिसमें सब मिलके काम करें देश के भले के लिए, तो इसलिए ये सब किया जाता है। उसके बाद वो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि देश में जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, ये लोग, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं हालांकि माइल्ड चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अब को कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को है कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कंटेंट और मेथोडोलॉजी है जो वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो भी समय समय पर चेंज होती रहती है टाइम के डिमांड के सामने। फिर वो कहते हैं 1969 में एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था जो आज भी चल रहा है। उसके अंतर्गत जो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं मसूरी में, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने के लिए भेजा जाता है, ताकि वो काम सीख सकें, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि जैसे वहाँ के लोगों को अगर जो ट्रेनिंग लेकर निकलता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उनको MA पब्लिक मैनेजमेंट की डिग्री भी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि वो मिड कैरियर में उनको उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ट्रेनिंग दी जाती रहती है, जिससे वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से पॉलिसी फॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ सके। अब वो कहते हैं वहाँ पे पांच तरह के बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रूरल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कंपिटेंसी सिस्टम। तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि कारगिल रिव्यू कमेटी में कहा गया कि सिविल और मिलिट्री प्रोग्राम में ज्वाइंटनेस लाने की जरूरत है। फिर वो कहते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस ये, वो लिमिटेशंस क्या है, वो कहते हैं कि जो इनका काम है, जो ये काम करते हैं, जो ट्रेनिंग इनको मसूरी में मिलती है ग्राउंड लेवल पर, कहते हैं कई जगहों पर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखती नहीं है, एक ये बहुत बड़ी बात आ रही है सामने, ठीक है। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि जिन ऑफिसर्स ने अपना अच्छा काम किया है उनके एक्सपीरियंसिस को जर्नल्स बनने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा क्या किया है। वो काम कहते हैं अभी तक तो नहीं हुआ, वैसे आगे रहता है शायद हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े थिंक टैंक की जरूरत है, थिंक टैंक मिलकर एक इस तरह के अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए जिससे इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बस अब देखिए आगे आकर बात करते हैं, वो कहते हैं कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को और भी कई ज्यादा मुश्किल से गुजरना पड़ता है, वो क्या है, वो कहते हैं कई बातों पर जो लोग हैं जनता उनसे नाराज रहती है, जो पॉलिटिक्स है उसको पॉलिटिशियंस उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो कहते हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिसीजंस को जो वो खुद लेते हैं विलिंग नहीं होते, बाद में अगर वो फेल हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को वो इनके ऊपर डाल देते हैं। और चैलेंजेस की बात वो किस तरह से करते हैं कि उनके पास कहते हैं इंटेग्रिटी भी मेंटेन करके रखनी है और एफिशिएंसी भी बना के रखनी है। वो कहते हैं करप्शन के पावर हाउस के बीच में रह के ये सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं। हालांकि कहते हैं इसमें बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रलिटी और रेजोल्यूट का काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं आइडियलिज्म एक ऐसा गुण है जिसको बनाए बहुत मुश्किल है, बहुत वेन में है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं बहुत से लोग इसको खत्म नहीं होने दे रहे। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिफेंड करना, एक्सपेंड करना, ठीक है, स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेटिव का ध्यान रखना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कहते सिविल सर्वेंट्स कहीं ना कहीं आगे निकले हैं, ठीक है। वो कहते हैं डिफरेंसेस तो आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मसूरी को जो इतना कुछ देश को दिया है, मसूरी को कुछ ना कुछ तो कहते हैं अच्छा क्रेडिट इसका बात का मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही हमारा आर्टिकल है, और मैं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब की उम्मीद जरूर करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स कहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।